DHM Music presents. और दादा लक्ष्मी चंद जी सांग करने पहुंच गए सजनों, और जब सांग कर रहे थे तो सांग करते करते एक चौबारे में से एक लड़की दादा का सांग देख रही होती है। दादा लक्ष्मी चंद की नजर उस लड़की पर पड़ती है और लड़की की नजर दादा के सांग पर। प्रेमी सजनों, दादा उसी समय अपना सांग थाम कर उस लड़की के रूप स्वरूप के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, उस लड़की के बारे में जिक्र करने लग गए और किस प्रकार से चार कली के माध्यम से इस रागिणी को बना दिया और क्या लिखा दादा लक्ष्मी चंद जी ने, सुनेगा इस रागिणी के माध्यम से। आए कैसे, हेलो क्या बताया और किस प्रकार से क्या लिखा और क्या बता दिया, सुनेगा इस रागिणी के माध्यम से। तेरी झांकी के वर्णन करा। सजनों हमें तो नहीं पता, पर अपने बड़े बुजुर्ग और अपने कवियों से सुना है, जिस लड़की के बारे में इस रागिणी में जिक्र हुआ, दादा लक्ष्मी चंद जी ने रागिणी बनाई, अंत में उसी लड़की से दादा की शादी होती है। दादी का नाम होता है बर्फी देवी। पहली बात के माध्यम से सर के बाल से लेके पैर की उंगली क्यों कर बिखार कर दिया, सुनेगा बोला। शहर के लंबे लंबे के शहर के चुकरी कटा पट्टे देख लियो
सजनों दूसरी बात में प्रेमी सजनों दादा लक्ष्मीचंद जी अपने मन में विचार करने लग गए कि मैं जगह जगह जाकर सांग करता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, पर आज से पहले इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। दूसरी बात में क्या कहने लगे सुनेगा। सोलह साल की छोरी ले आए तो क्यों कर बात बने, इतनी छोरी बड़ी होगी बुड्ढा ऊपर पहुंच लेगा, छोरी फिर न्यू की न्यू। बता तीसरी बात में अनु कहने लगा, जब तू मेरे गांव मेरे जाटी जावेगी तो राज्य सारी दुनिया हो जाएगी। और के कहने लगा तीसरी बात में कैसे लगा? दुखड़ दूना चलिया पार करे का अरे दिल
भाइयों भाइयों ताली बजा दे एक बार ताली रागनी है। दादा पंडित जी ने पूरी बात कह दी पर एक लिफाफे में बंद पर्दे में ओले में ना तो जी आजकल के तो डीजे सॉन्ग ऐसे बज रहे हैं सारी बात ओपनली हो जाती है कोई शर्म नहीं कोई हया नहीं। दादा ने सारी बात कह दी और ओले में आखिरी बात में बताया एक औरत के रूप स्वरूप के बारे में चर्चा करी एक औरत के रूप स्वरूप को होना चाहिए कैसा होना चाहिए सुनेगा कैसे Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.